विद्यामितान अतिथि शिक्षक सरगुजा संभाग स्तरीय बैठक संपन्न। विद्यामितान अतिथि शिक्षकों द्वारा आज अंबिकापुर में नियमितीकरण को लेकर बनाई गई रणनीति। नियमितीकरण को लेकर मिले मंत्री अमरजीत भगत सिंह से। नमस्कार, मैं अभिषेक दुबे और आप देख रहे हैं G7 न्यूज। विद्यामितान अतिथि शिक्षक की बैठक आज अंबिकापुर में संपन्न की गई। यह बैठक संभाग स्तरीय थी, जिसमें कुल 5 जिलों के विद्यामितान अतिथि शिक्षक शामिल हुए। बैठक में जिला बलरामपुर, रामानुजगंज, कोरिया, सरगुजा, सूरजपुर तथा जसपुर के विद्यामितान अतिथि शिक्षक शामिल हुए। बैठक में नियमितीकरण के मुद्दे पर चर्चा की गई। बैठक के तुरंत बाद सभी अतिथि शिक्षक विद्यामितान कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में शामिल वादे के अनुसार नियमितीकरण की मांग को लेकर आज विद्यामितान अतिथि शिक्षक मंत्री अमरजीत भगत जी के आवास पर पहुंचे। विद्यामितान अतिथि शिक्षक छत्तीसगढ़ राज्य के अति संवेदनशील दूरस्थ दुर्गम बिहड़ अभावग्रस्त आदिवासी अंचलों में गत कई वर्षों से कार्यरत हैं। वहीं यह सभी शिक्षक छत्तीसगढ़ के मूल निवासी शासन द्वारा निर्धारित योग्यता रखने वाले स्नातकोत्तर तथा बीएड प्रशिक्षित युवा अतिथि शिक्षक हैं, जो आज पर्यंत शिक्षकीय सेवा प्रदान कर रहे हैं, जिनके नियमितीकरण की घोषणा छत्तीसगढ़ कांग्रेस घोषणा के पृष्ठ क्रमांक 35 के अंतिम लाइन में प्रमुखता से वर्णित की गई है। लगभग सभी मंत्रियों, विधायकों एवं जनप्रतिनिधियों के द्वारा बार बार इस आशय का अनुशंसा भी किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य के अतिथि शिक्षकों की संख्या मात्र लगभग 2000 के आसपास है। नियमितीकरण की मांग को लेकर ही आज सभी विद्यामितान अतिथि शिक्षक मंत्री अमरजीत भगत के निवास स्थान पर पहुंचे तथा अमरजीत भगत से मुलाकात की। मुलाकात के बाद अमरजीत भगत ने मुख्यमंत्री से मिलकर नियमितीकरण की मांग की जानकारी देने की बात कही। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। फिर मिलेंगे G7 न्यूज में। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही खबरों के साथ बने रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें।